प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि हमारी नवंबर में नाइट प्रेयर चल रही है, जिसकी हर एक प्रार्थना वीडियो आप तक पहुंचती है, और वो चाहे भोर की प्रार्थना हो चाहे नाइट प्रेयर हो, यानी कि आप तक डेली प्रार्थना पहुंचेगी। वो प्रार्थना जब हम नाइट प्रेयर में करते हैं, परमेश्वर उसमें सामर्थ भरता है। अभी भी रात के 3:15 बज रहे हैं, ये नाइट प्रेयर की प्रार्थना है जो आपके परिवार, आपके जीवन, आपके घर, आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपके धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे। जो प्रभु ने वचन दिया है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सम्मुख आते जितने भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या पिता परमेश्वर व्हाट्सएप के माध्यम से देखते पिता, उन सबको ब्लेस कर पिता। प्रभु जहाँ ये प्रार्थना जाती है वो सब आशीषित हो जाए पिता। हाँ मेरे पिता, उनकी समस्या को दूर करना, वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ये छोटी सी वीडियो है, और आपके पास जितने मेरे व्हाट्सएप वाले हैं उनके पास ये एक ही वीडियो आ जाएगी, ताकि पेंडिंग जो अगर आपकी वीडियो पड़ी है कोई जो अभी तक नहीं देखी वो देखना, क्योंकि हर रोज आपके पास वीडियो आएगी प्रार्थना की। ये प्रार्थना है जो डेली प्रभु आप तक पहुँचा रहा है, हालेलुया, ताकि आपके लाइफ को प्रभु बदल सके। जो अभी तक काम नहीं हो पाए वो आपके लाइफ में वो काम हो। आज प्रभु ने वचन देने के लिए जब मैं बैठा तो परमेश्वर का हमने धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रार्थना करा, सोचता रहा कि प्रभु कौन सा वचन आप तक पहुँचे। परमेश्वर का वचन, मैं बुद्धि ज्ञान से नहीं, खुदा के आत्मा के द्वारा वचन देता हूँ, परमेश्वर देता है, मैं कुछ नहीं राखक मिट्टी हूँ। मैं जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ परमेश्वर मना करता है, वही हुआ। मैं सोचता रहा, ताकि जब प्रभु ने बाइबल खोली तो एक ही वचन सामने आया, वो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे मन कर रहा था शायद ये ना दूँ, हो सकता है आप क्योंकि पाशा यही वचन देते हैं ये क्या पाते, लेकिन प्रभु का वचन है आप तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी, उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि आपकी ब्लेसिंग रुके, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप 4 गुना आशीष कमाओ, 100 गुना प्रतिफल पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो वचन में हो, चाहे आपके काम, बिजनेस, किसी में भी क्यों ना हो। तो आइए वही वचन हम पढ़ेंगे जो प्रभु ने दिया इस रात में आपके, आपके परिवार के लिए। हालेलुया। निकालेंगे 2 करिन्थियों 9 अध्याय। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात का समय है, ठीक है। 2 करिन्थियों 9 अध्याय उसका 6वां वचन, 2 करिन्थियों 9 अध्याय का 6वां वचन क्या लिखा है? परंतु, यहाँ लिखा है दान कैसे दें, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वे थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा भी। हालेलुया। यानी कि अगर आप दोनों चीज में ये वचन देता है, हम वचन बो रहे हैं इस समय नाइट प्रेयर में, क्या कर रहे हैं, वचन बो रहे हैं। जितनी बहन है, जितने भाई जगकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो वचन बो रहे हैं, अधिकतर वचन बो रहे हैं। तो क्या काटेंगे वो? अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या काटेंगे? आशीष काटेंगे। हालेलुया। चंगाई काटेंगे, प्रभु की ब्लेसिंग काटेंगे, सामर्थ काटेंगे, आत्मिक उन्नति काटेंगे, क्योंकि जो थोड़ा बोता है वे थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा। अब दिन के 24 घंटे में से हम अगर आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो आधे घंटे तो हम बीज बो रहे हैं प्रार्थना का, तो हम आधे घंटे का क्या काटेंगे? लेकिन जो भाई बहन रात में जगकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, वो बहुत काटेंगे। हालेलुया, है ना। उनके जीवन में से जितने भाई बहन देख रहे हैं, हर परेशानी लुप्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, वो हर जागरूकता रद्द हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो अपने अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपने घर के लिए आशीष बो रहे हैं, और आशीष ही काटेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। हालेलुया। अब बात आती है दान की। आप जब ऑफरिंग देते हो, दान देते हो, याद रखना ये परमेश्वर की बहुमूल्य सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु आपके पैसों को नहीं चाहता है कि शराब में, गुटखे में, सिगरेट में, या अफीम में, या फिर भाई जितने भी बुरी आदत में जाते हैं, विषयग्रस्ती में या फजूल खर्च में जाए। प्रभु चाहता है कि आपका पैसा आशीषित हो, ना दवाइयों में जाए, ना ही वकीलों के पास, मतलब देश ना हो। और शैतान चाहता है कि आपका सारा पैसा मैं ले जाऊं, यानी कि शैतान ले जाए। हालेलुया।
वो चाहता है कि शैतान का पहला फंडा क्या है कि आपके पैसों को बर्बाद करना, क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो इंसान क्या करेगा लाइफ में, वो फसल खुशी करवा देगा आपसे। दो की चीज़ 200 में दे दो, शराब कितने की भी आए पीनी तो पीनी है ना, यानी कि पैसा को वेश। लेकिन जब मन आपका दान ऑफरिंग करता है, जब आपको शैतान मना करता है। और यहाँ लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आपको पता है परमेश्वर किससे प्रेम रखता है, मुझे पता है परमेश्वर किससे प्रेम रखता है, शैतान को पता है परमेश्वर किससे प्रेम रखता है। तो वो बात कैसे होने देगा हमारे और आपके लाइफ में, जिसे परमेश्वर प्रेम रखता है वो बात काट देगा, हालेलुया। लेकिन जिस बात से परमेश्वर नाराज होता है वो बात आपके मेरी लाइफ में जरूर लेके आएगा, है ना। पाप करा ले, गाली बक दे, है ना, शराब पी ले, वेश्यागर्दी कर दे, विचार कर ले, इससे परमेश्वर नाराज होगा, तो यही बात लेके आएगा सबके साथ। दान मत दे, कम कर, तेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, तेरी बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ये बात शैतान आपके लाइफ में कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने कर दिया तो ये परमेश्वर के प्रिय हो जाएगा। क्योंकि साफ लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, प्रेम रखता है परमेश्वर। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है, जिससे हर एक बात में, हर एक समय में, सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास आए, और हर एक के भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हालेलुया, बहुत कुछ हो। आज प्रभु का वचन यही कहता है मेरे लिए तो, और यकीन मानना आपकी प्रार्थना, जितनी भाई देखने वाले यूट्यूब पे हो, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हो, ये संदेश सुन रहे हो, तो यीशु संग सब आपसे एक अपील करती है कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर की। और जहाँ भी आप बीज बोते हो, मैं ये नहीं कह रहा यीशु संग सभा में, लेकिन जहाँ भी आप अपने चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु के लिए देना सीखें, जो देगा वही पाएगा। मैं आपको एक और गवाही बताता हूँ, मैं अपनी गवाही बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिली है मैं चाहता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन मिले। प्रभु ने मुझे जब देना सिखाया तो आज लॉकडाउन में भी प्रभु मुझे तृप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने वालों से प्रसन्न होता है, और मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है। इस बात का सबूत है कि परमेश्वर मुझे यहाँ तक बिठाया, ये गद्दी, ये जो पुलपिट है, ये ऐसे नहीं मिलती, परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं कुछ नहीं, राखक मिट्टी हूँ, दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था, खुदा ने अनुग्रह से, उस परमेश्वर के अनुग्रह से आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बात करके मुझे आशीष मिली है, मुझे बढ़ोतरी मिली है, तो मैं चाहूँगा कि आपको मिले। जब आप किसी बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, और अगर बुरी लगती है तो क्या कहेंगे, वहाँ मत जाएँ, वहाँ की चीज़ बेकार है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, यानी कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कर रहा है उस काम से, तो आपको भी दे। इसलिए जहाँ भी आप ऑफरिंग देते हैं, बेधक दे, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई आशीष देगा। लेकिन माना आशीष पाने का सबसे तरीका ही ये परमेश्वर का साधन है, आपकी धन संपत्ति पर बढ़ोतरी करेगा। चाहे दुनिया में कितना लॉकडाउन लग जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको घटी नहीं होगी। और यीशु चंद्र सभा आपसे, यानी कि मैं पाशा राजा से अपील करता हूँ, इस मनुष्य के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु की इच्छा है और आपकी परमेश्वर की अगुवाई में और आपके मन में आता है, आप प्रार्थना तो करें, साथ में यीशु चंद्र सभा आर्थिक मदद भी करें। चाहे आर्थिक मदद आप कुछ भेज के करें, ऑफरिंग के द्वारा करें, जैसे भी प्रभु आपके मन में डाले। अगर आपके मन में प्रभु डालता है ये बात, तो पीछे ना हटें, आपकी दुआ से, आपकी सपोर्ट से परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को आगे तक ले जाएगा। ये प्रेम है आपका, ये प्रेम दिखाता है कि आप यीशु चंगाई सभा के साथ, मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन के द्वारा आशीष कर पिता, जिन भाई बहनों को पिता आपने पिता ये वचन सुनाने के लिए मुझे कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन कानों में वचन जाएगा पिता, प्रभु जी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा पिता, क्योंकि वो अभी तक आशीष नहीं कमा पा रहे, उनके लाइफ में पिता कर्जा है, बहुत कुछ है पिता, पैसा रुकता नहीं है, शैतान ले जाता है पैसा, शराब में, गुटके में पिता, वेश्यागर्दी में, नुकसान में पिता परमेश्वर जा रहा है, नुकसान हो रहा है, नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गए पिता, तनख्वाह बढ़ नहीं रही पिता परमेश्वर, प्रभु जी आशीष नहीं कमा पा रहे। लेकिन आज जो आपने मुझे वचन दिया है, इसे आप प्रेम रखते हो, ये पिता जब ये करते हैं तो आशीषित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता, क्योंकि आपने मुझे करा है तो आप इनको भी करोगे, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप हर चीज़ देने वाले से खुश होते हैं पिता।
हाँ पिता, ये जहाँ भी ऑफरिंग दान देते हैं पिता, उनको ब्लेस कर, सुपर ब्लेस कर पिता। और जब यीशु चंगा समय देते हैं तो अपने वादे को आप पूरा करना पिता, इस वादे को पिता, इन परिवार में पिता। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक भाई बहन इस रात्रि में पिता परेशान ना हो, कलेश में ना हो, दुष्ट आत्मा में ना हो। पिता जिस घरों में परेशानी है, दुष्ट आत्मा है पिता, झगड़ा होना है वो रद्द हो जाए, बीमारी वो चली जाए, पति पत्नी के झगड़े वो रद्द हो जाए, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति रद्द हो जाए पिता, आत्मिक उन्नति बढ़ जाए। जितने नाइट प्रेयर में शामिल होते पिता, जितनी प्रार्थना इस प्रार्थना को देखने में शामिल होते हैं पिता, वो सब ब्लेसफुल हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक परिवार के लोग आशीषित हो पिता, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु जी, इनकी लाइफ में से वो परेशानियाँ, दुख, तकलीफ जा रही है पिता, ये आनंदित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पिता। इनके जो शैतान ने इनको पकड़ रखा है वो आज़ाद हो रहे पिता। हाँ मेरे पिता, इन पर कर्ज का जो श्राप है वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर इनको ब्लेस कर रहे हैं आप, मैं विश्वास कर रहा हूँ, इनको आज़ाद कर रहे हैं इस पाप की गुलामी से, कर्ज की गुलामी से, बीमारी से, मैं विश्वास कर रहा हूँ पिता। ये गवाही देंगे, मैं विश्वास कर रहा हूँ, और आपने प्रार्थना सुनी, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना आपका आपका मन है और आप प्रेम से कुछ भी देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक सबको डिटेल मिल जाएगी, और जितने भी व्हाट्सएप वाले वो तो सब जानते हैं, अकाउंट नंबर, पेटीएम, फ़ोन सब कुछ जानते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ये परमेश्वर की ओर से पैगाम है आपके आशीष के, और आपके परमेश्वर आपके लाइफ में झरोके खोल देगा, यकीन मानिए, जो मेरे साथ करा उसे 100 गुना आपके साथ करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह की।